आदरणीय वाजपेयी जी, भगत जी, नीतीश जी और मेरे युवा मित्र, युवा साथी आकाश जी और मित्रों, वैसे तो आखिरी वक्ता होने के कई डिसएडवांटेज हैं। पब्लिक पक चुकी है दो दिन पूरी तरीके से, अब ये क्या पेश करेगा है। मेरे पास कुछ नई बात नहीं है, सारे वरिष्ठ लोग भी आपके बीच में हैं या जो युवा भी आ रहे हैं वो बिल्कुल इंडस्ट्री के बीच में से आ रहे हैं, बहुत कुछ उनका योगदान रहा है। मैं माखनलाल से, भगत जी ने तो सिर्फ 2 साल का एडजंक्ट प्रोफेसरी का ही जिक्र किया, जब से नोएडा में कैंपस स्थापित हुआ तब से लेकर मैं जुड़ा हुआ हूँ, सबसे वरिष्ठ प्रोफेसरों में से एक हूँ। अभी मैं भोपाल में सत्रारंभ के लिए गया था तो वहाँ शायद मेरा परिचय दिया गया कि ये एडजंक्ट प्रोफेसर यहाँ रह चुके हैं, तो कुठियाला जी उठ के खड़े होकर बोले कि नहीं अभी भी हैं। तो मुझे अभी मुक्ति नहीं मिली है माखनलाल से, इसलिए जब ये बुलाते हैं तो मैं तुरंत आ जाता हूँ। माखनलाल अपना परिवार का ही हिस्सा है और बहुत अच्छा लगता है जब भी माखनलाल के छात्रों के बीच में रहता हूँ। मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप लोग, हमारे उद्योग में बहुत चीज़ों की कमी है, बहुत कमियाँ हैं, लेकिन आप लोग एक नए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक एक रवैये के साथ मत जाते हैं। आपकी जिंदगी है उस प्रोफेशन में, आपने तो अभी शुरू भी नहीं किया। अगर आप भी जैसे पब्लिक में कई लोग बैठ के बोलते रहते हैं, मीडिया को गाली गलौज देते हैं, आप उनमें मत शामिल हो। आपकी रोजी रोटी है वो, आपका मिशन है वो, उसमें बहुत सकारात्मक चीजें भी हैं। और जैसे नीतीश जी ने कहा, आज भी चाहे पता नहीं अमेरिका में कुछ रैंकिंग देते हैं, उसका तो मुझे नहीं पता वो किस आधार पर देते हैं, 138, 140, लेकिन विश्व के मैं मानता हूं कि सबसे फ्री मीडिया में से एक है भारतीय मीडिया, और मुझे गर्व है कि मैं उस मीडिया का हिस्सा हूं। दिक्कतें हैं मैं मानता हूं, लेकिन जब हम आसपास के लोकतंत्र को देखते हैं और कहीं और दूसरे जो आसपास के मुल्कों को देखते हैं, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, नेपाल है, श्रीलंका है, आप आस पड़ोस में देखिए, आप दूसरे देशों में देखिए, अफ्रीका के मुल्कों में देखिए, उनके तुलना में मैं तो बहुत आजाद हूं। और मैं मानता हूं कि यह हमारी ताकत है। और याद रखिए, अमेरिका के संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट या पहला संशोधन के तहत फ्री प्रेस का एक विशेष प्रावधान है जो मेरे संविधान में नहीं है। मेरा वही प्रावधान है जो हर आम नागरिक के लिए, जो प्रावधान है अनुच्छेद 19(1)(a), उसके तहत जो अधिकार एक आम नागरिक को प्राप्त है उतना ही मुझे प्राप्त है। उसके बावजूद मैं बहुत स्वतंत्र हूं, मुझ पर कोई अंकुश नहीं है। आज अगर कोई अंकुश की सोचता भी है, एक मंत्री के या किसी एक सांसद के मुंह से गिरता भी है, तो हम चीर कौओं की तरह उस पर कूद पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, नहीं हम होने देते हैं। कहीं रेगुलेशन की बात, आज लोग डरते हैं। एक अपवाद आया था हमारे इतिहास में 75 से 77 का, आपातकालीन जब इस देश में लगा था, लेकिन अब यह देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कभी आपातकालीन वापस नहीं आएगा, ना आपातकालीन के प्रावधान आएंगे। अब यह देश एक लोकतंत्र के नाते बहुत परिपक्व हो चुका है और कोई अब जरूरत भी नहीं करेगा।
कोई राजनेता जरूरत नहीं करेगा कि वो फिर ये करे कि यहाँ फिर से कोशिश कर सकते हैं। हर जगह सत्ता का टेंडेंसी है, सत्ता जिसके पास है कि हाँ मुझे हावी होना है, वो एक नेचुरल टेंडेंसी है सत्ता का। लेकिन चौथे स्तंभ के नाते हमारा योगदान अभूतपूर्व है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी और आज भी। आज भी अगर बुलंदशहर के कांड के बाद कार्रवाई हो रही है तो मीडिया की वजह से हो रही है। चौसठ करोड़ का बोफोर्स का आज तो खैर ऊंट के मुंह में जीरा है। बोफोर्स कांड था 64 करोड़, आज हम 1,75,000 करोड़ से नीचे बात नहीं करते भ्रष्टाचार में। लेकिन चाहे वो बोफोर्स रहा हो या आप पूंजी रहा हो या चारा घोटाला रहा हो, ये सब मीडिया ने उजागर किया। तो हम मीडिया में समझौतावाद की बात करते हैं, मीडिया में ये है, कॉर्पोरेट है, ये दुनिया में कौन से मुल्क में नहीं है। अगर प्राइवेट नहीं चलाएगी तो फिर सरकार चलाएगी, तो सरकार को चलाने दे क्या मीडिया, तो फिर कौन चलाएगा? अब ऊपर से तो कोई आके चलाएगा नहीं, तो या तो निजी हाथों में होगा या सरकारी हाथों में होगा। और हम मानते हैं कि सरकार से तो बेहतर निजी ही चलाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि कुछ मॉडल्स जरूर हुए हैं, एक ट्रिब्यून का मॉडल है कॉपरेटिव का, एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मॉडल है, पीटीआई का, ट्रस्ट का, लेकिन वो बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं हुए। पीटीआई अपने आप में एक, लेकिन वही मॉडल से युवा नहीं कामयाब होता है। ट्रिब्यून कामयाब हो पाया या कुछ हद तक आपका उड़ीसा में समाज कामयाब हो पाया, लेकिन बाकी जगहों में उतना कामयाबी उस मॉडल को नहीं मिला। 2-3 अखबारें जो ट्रस्ट मॉडल के अंतर्गत चलती है। तो आप इस बात को याद रखिए, एक चीज मूलतः उस बात को जो अभी भी बात कर रहे थे, कोई भी चैनल हो, कोई भी अखबार हो, वो पब्लिक मूड के खिलाफ जाकर कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए आप देखते हैं, इसलिए वो दिखाते हैं। अगर 5 मिनट में 100 खबरें दिखाते हैं तो उसको देखने वाले हैं। अगर रात को 9 बजे से लेकर कोई या 8 बजे से 7 बजे से, आजकल तो 6 बजे से भी शुरू हो गया है, 12 विंडो खोल दिए और शुरू हो गया, तो उसको देखने वाले हैं ना। अब भाई बैठ के हम आलोचना करते हैं कि अरे एंकर को इस तरीके से बोलना चाहिए क्या, एंकर डांट देता है, एंकर उसको ये कर देता है, एंकर चिल्ला के बोलता है कि ये देश जानना चाहता है। लेकिन देखने वाले हैं बॉस, देखने वाले ही नहीं है, उनका बड़ा फैन फॉलोइंग भी है, ये भी एक हकीकत है। इस बात को हम क्यों नहीं मानते हैं? आज हर चैनल में, न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं, पहले तो सिर्फ एक आदत है खबरदार बोल के, आज हर चैनल में शुरू हो गया। क्राइम शो आज प्राइम टाइम में लाना बहुत जरूरी हो गया है। उनको लगता है कि क्राइम शो के बगैर चैनल चलेगी नहीं। फिर हम कहते हैं कि देखो क्राइम दिखा रहे हैं, अगर उसने नहीं दिखाया तो उसके चैनल को कोई देखेगा नहीं। तो हम ये जो एक डबल स्टैंडर्ड हमारे दर्शकों में भी है कि हम बैठ के देख के मजे तो पूरा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि देखो जी अपराध दिखा रहे हैं। अरे भाई देख क्यों रहे हो, बहुत मजे से देखते हो, फुल टीआरपी उनको मिलती है। मैं मानता हूं मीडिया का एक भूमिका है नए टेस्ट डेवलप करने का, शायद उसमें हम उतना सफल नहीं हुए, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर सिर्फ क्रिकेट दिखाएंगे तो क्रिकेट ही लोग देखेंगे, हॉकी भी दिखाएं, राष्ट्रीय खेल है, कबड्डी दिखाने लगे तो प्रो कबड्डी, अब धीरे धीरे अब देखो फिल्म तक बन गई सुल्तान। तो आप कुश्ती, कबड्डी, भारतीय खेल, हॉकी, इन चीजों को दिखाइए, जरूर उनके दर्शक मिलेंगे आपको। मीडिया का एक बहुत बड़ी भूमिका है,
लेकिन उसके लिए स्पॉन्सर्स चाहिए, मीडिया को भी आखिर सर्वाइव करना है। मीडिया कहां से पैसा लाएगी? इतने बड़े ऑपरेशंस हैं, इतना खर्चा होता है। इवन जो आपके पैनल डिस्कशन में बॉर्डर के उस पर बैठ के जो इधर से गाली खाता है वो भी पैसे लेके खाता है, उसको भी दिया जाता है कुछ, हाँ तो गाली खा। तो हर चीज में खर्चा बहुत है। ये खर्चा कहां से आएगा? विज्ञापन से आएगा। विज्ञापन वाला विज्ञापन दाता जो है वो विज्ञापन क्यों देगा? वो विज्ञापन तभी देगा जब उसको यकीन है कि उसका प्रोडक्ट दिखेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में। तो वो देखता है कि बार का रेटिंग देखेगा, टीआरपी का रेटिंग देखेगा, वो देखेगा। तो मैं मानता हूं कि इन सब के बावजूद हम मीडिया की कमी गिनाने लग गए तो हम दो दिन क्या, हम दो महीने बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उस उद्योग में घुसने जा रहे हैं, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। मुझे लगता है कि वो एक दृष्टिकोण के साथ अगर हम मीडिया में जाएंगे तो वो बेहतर होगा। अगर हम ही नेगेटिव होके किसी, ये एक रिश्ते की तरह है, आप किसी नए रिश्ते में जाएंगे तो उस रिश्ते में आप एक नकारात्मक सोच के साथ जाएंगे तो वो रिश्ते का जो, जिसको कहते हैं कि आधारशिला फाउंडेशन, वही एक विश्वासहीनता पर बनी हुई है। आपको खुद लगता है कि ये जिस मीडिया का प्रोफेशन में मैं जा रहा हूं ये तो बिल्कुल घटिया प्रोफेशन है, इस सोच के साथ मत जाइए। बहुत उम्दा प्रोफेशन है जिसमें कुछ घटिया लोग आ गए हैं। इस तरीके से समाज के हर तबके में अच्छे कामों में भी बुरे लोग आ गए हैं, इसलिए एक परसेप्शन बन रहा है। और ये परसेप्शन युवा पीढ़ी से हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है। मैं एक मिसाल अक्सर देता हूं, मेरा एक छात्र, मैं IIMC में तो अभी 4 महीने पहले महानिदेशक बना, लेकिन 17 साल से वहां पढ़ा रहा हूं। मेरा एक छात्र एक बड़े अखबार में, दिल्ली के एक बहुत ही बड़े अखबार में उन्होंने ज्वाइन किया। अक्सर वो मुझसे राय लेता रहता था अलग अलग विषयों पर। मेरे अभी भी जो 17 साल 15 साल पुराने छात्र हैं, कभी संकट में होते हैं तो फोन करके पूछते हैं सर मुझे क्या करना चाहिए, तो वो भी राय लेता रहता था। और एक दिन उसका फोन आया, कहते कि सर मैंने दिल्ली के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट वाले एक जो मालिक हैं उसका खिलाफ मैंने एक पूरी खबर बना दी, मेरा जो संपादक है वो छाप नहीं रहा। मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं, सारी खबरें तुम जो करते हो शुरू में वो सब छपे, ये बिल्कुल प्रायोगिक नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की तरह नहीं है, अखबार में सीमा है, जगह की, स्पेस की कंस्ट्रेंट है। जहां विज्ञापन आ गया तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट विज्ञापन नहीं छोड़ेगा, आपके खबर को वो हटा देगा, लेकिन विज्ञापन वो नहीं छोड़ेगा, उसका रोटी रोटी का सवाल है, आपके तंखे का सवाल है। तो उसने कहा कि सर छपा नहीं। मैंने कहा कोई बात। दूसरी बार उसका फोन आया और कहा कि सर मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। मैंने कहा कमाल है, क्यों नौकरी छोड़ोगे तुम? तो कहा कि सर मैंने नौकरी इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि वो हमारे जो अखबार है उसमें उसी हाउसिंग वाले से जो है विज्ञापन ले लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्टोरी दिखा के विज्ञापन लिया। तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो वही जो हम लोग जो निम्न मध्यम परिवार के जो लोग हैं वही कहानी उन्होंने बताई कि भाई मेरे घर में पिताजी रिटायर हो गए हैं, माँ गृहस्थी देखती है, बहन की शादी करानी है, भाई पढ़ रहा है, वही सब जो हर घर घर की कहानी जो है। तो मैंने कहा कि बेटा अभी इतना जल्दी क्रांति मत कर, थोड़ी देर रुक जा, अब हो सकता है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई हो, अभी देखो अभी तो शुरुआत है। बाद में कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे उस छात्र ने इस्तीफा दे दिया
और वो इलाहाबाद में कोई पीजी कोर्स करने के लिए चला गया और इस बात की उसने मुझे खबर तक नहीं। मैंने फोन करके पता किया, मैंने कह दिया अरे तुम ऐसे ही चले गए, तुम हर चीज पर तो तुम मुझसे राय पूछते थे, लेकिन जब तुमने जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया इस्तीफा देने का, नौकरी छोड़ के जाने का, वो भी इतने बड़े प्रतिष्ठित अखबार से, तो तुमने एक बार नहीं पूछा। कह दिया कि सर बड़ी दिक्कत हो गई, जब तक उसने नहीं छापा और विज्ञापन लिया तब तक तो आपने मुझे रोक दिया, मैं रुक गया। लेकिन अब वो कहने लग गए कि वही जो बिल्डर है वो एक सप्लीमेंट ला रहे हैं, उस बिल्डर के तारीफ में मैं दो चार लेख लिखूं। और मैंने सोचा मैं आपको फिर फोन करूंगा तो आप फिर माँ बहन की दुहाई देकर मुझे बिठा देंगे, तो मैंने कह दिया कि ये मेरे कलम को मैं बेचूंगा नहीं। अपनी लक्ष्मण रेखा आपको खुद खींचना है, मैं किधर तक जाऊंगा, मैं किधर तक जा सकता हूं, किधर तक समझौता कर सकता हूं, यह आपको तय करना है। खरीदार बहुत है बाजार में, वो गाना ना मेरे किस्मत के खरीदार अब तो आ जा बैठे हैं बहुत, आप बिकने के लिए तैयार हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि इस देश में आज भी, इस दिल्ली शहर में मैं वरिष्ठ पत्रकारों को जानता हूं जो आज भी मेट्रो से बस से सफर करते हैं, वो भी चाहिए तो समझौता कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। मैं उनको देखता हूं तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनको इस वक्त नौकरी नहीं है, एक फोन करके मुझे कहते हैं जब मैं दूरदर्शन में था कि मुझे कभी प्रोग्राम में बिठा लिया करो, बहुत स्थिति बहुत खराब है। कभी कहते हैं क्लास दे दिया करो, बहुत स्थिति खराब है। मैं कोशिश करता हूं उन लोगों को अकोमोडेट करने का, क्योंकि वो मेरे हीरोज हैं, वो मेरे हीरोज हैं, इसलिए मैं कोशिश करता था कि उन लोगों को मौका मिले, क्योंकि वो लोग भी अगर समझौता करते, अपने भविष्य का निवेश करते भविष्य के लिए, तो वो भी शायद इस हाल में नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि ईमानदार पत्रकारों की कमी है, ऐसा नहीं है। तो और अब तो पत्रकार के पास तो कुछ रह ही नहीं गया, अब तो पहले छोटा मोटा उसको कोई खबर छापने के लिए कोई जेब में गिफ्ट वाउचर डाल के दे देता था, अब तो लालाजी ने कह दिया कि अरे मेरे पास पैसे लाओ मैं छाप दूंगा। उन्होंने तो मीडिया नेट जैसे संस्थाएं खोल दी, कह दिया कि विज्ञापन विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, आप पैसे ला दो खबर छाप दूंगा, बिजनेस हो गया है। तो बेचारा अखबार वाला क्या था? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ पत्रकार है, मैं खुद मानता हूं जिनके लिए ऐसे पत्रकार, मैं पत्रकार नहीं कहूंगा क्योंकि अब कार पहले आ गया है तो कार पत्र कहूंगा, उस पत्रकार के लिए कार की महत्व तो ज्यादा बढ़ गई है, कार होना कोई बुराई नहीं, जीवन में एक मूलभूत सुविधाएं हो इसका अगर चाहत रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं और होना भी चाहिए, लेकिन क्या मैं किस कीमत पर उस चीज को ले रहा हूं, बस इसी पर सवाल है। सवाल वो होता है जब हम पेड न्यूज का एक इंक्वायरी कर रहे थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने बातों बातों में हमसे कहा कि देखो जी कुछ पत्रकार बड़े ईमानदार होते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, कुछ पत्रकार होते हैं जी कोई 5,000 रुपए ले लेता है, कोई 10,000 ले लेता है, तो हम ना उनकी औकात फिक्स कर देते हैं कि इसकी औकात 5,000 की है। अब आपको तय करना है कि क्या कोई 2% का नेता मेरा औकात फिक्स करेगा, मुझ पर कीमत लगाएगा, ये आपको तय करना है, ये फैसला आपको करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बहुत कठिन चीज है। हम अक्सर पहले कहते थे, पहले तो एक ही गाड़ी होती थी, थोड़ा उस टाइम में एक मारुति होती थी गरीब लोगों के लिए,
अभी भी चंडीगढ़ में कहते हैं बीपीएल वालों को, मारुति वालों को बीपीएल वाले कहते हैं, दिखाई नहीं देते चंडीगढ़ के सड़कों में। तो बाकी बड़े लोगों के लिए एस्टीम होती थी, और हम लोग कहते थे कि हमारे पास एस्टीम नहीं है, सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान, वो सबसे बड़ी चीज है। तो अब आपको तय करना है कि नहीं, जो मेरे पड़ोस में जो चक्की का जो लाला है उसकी तरह मेरे को एसयूवी चाहिए या मेरा 800 चलेगा, ये तय तो आपको करना है। कि मैं पत्रकार हूँ, मैं चाहे टू व्हीलर में चलूँ, मैं वो जो चक्की का लाला जो पजेरों में चल रहा है उससे बेहतर स्थिति में, उससे बेहतर समाज में मेरा सम्मान है, ये आपको तय करना है। मैं, मेरा बुद्धिजीवी का स्तर क्या है, मेरा समाज के प्रति योगदान क्या है, एक बिजनेसमैन के बनिस्बत, ये आपको तय करना है। या मैं उससे प्रतिस्पर्धा में हूँ कि हाँ उसके पास पजेरो है, वो बिजनेसमैन है, दुकान चलाता है, मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को दावा नहीं करता मैं चौथा स्तंभ हूं, वो नहीं कहता कि मैं लोकतंत्र का जो है संरक्षक हूं, उसको इस तरह की गलतफहमी नहीं है, मुझे तो है ना। जब मेरे पास एक सामाजिक दायित्व तो है तो पहला मेरा जवाबदेही समाज से। तो इसलिए इस देश का इतिहास भी, जो अभी एक सवाल आया था उसमें यह कहा, इस देश में पत्रकारिता एक मिशन के तहत आई, यहां चाहे वो महात्मा गांधी हो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, सबने अखबारों के जरिए समाज सुधार के लिए, देश की आजादी के लिए एक जंग छेड़ा। हम उसी मिशन, वही मिशन हमारा विरासत है। तो आज भी हम आते हैं इस प्रोफेशन में, हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बस सिर्फ प्रायोगिक होने की बात है। मोह भंग तो तब होता है जब आपको यह लगने लगता है कि मैं सत्ता को परिवर्तन कर दूंगा, मैं सत्ता बदल दूंगा, मैं सिस्टम बदल दूंगा। ऐसी गलतफहमियां क्यों पालते हैं, ये मेरा काम नहीं है। सत्ता परिवर्तन जनता का काम है, मेरा काम नहीं है। जब तक ये हो रहा है, अच्छा ये सरकार तो मैं गिराता हूं, मैं बनाता हूं, ये अहम नहीं, तो फिर मोह भंग होता है। कोई नहीं, सारी दुनिया कह रही थी 2004 में जो है कि एनडीए वापिस आ रही है, 10 साल यूपीए रहकर गई,